अब हम जा रहे हैं बीबी महम की दरगाह की तरफ। ये देखिए गाइज, ये बीबी महम के रोज़े के चारों तरफ कब्रिस्तान है और ये है बीबी महम का रोज़ा। हमारे बेहतरीन दोस्त हैं अलियान अली और दोस्त हैं कुछ, काफ़ी सारे संगत हैं उनके साथ भी आए हुए बीबी महम के रोज़े पे। ये बीबी महम सलामुल्लाह अलैहा है जिनकी असल शबी है और ये कब्र मुबारक इनकी असली है और ये इनकी शबी बनी हुई है। ये बीबी महम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी हैं जो तकरीबन 12 साल की हैं और इनके साथ दो कनीज़ें भी आई थीं। यहाँ पे इनका एक मुजावर है, कुछ डिटेल हम उनसे ही ले लेंगे। ये कनीज़ें हैं और ये दोनों तुर्बत हैं, ये भी इनकी तुर्बत जो बनी हुई है ये भी बिल्कुल दोनों असली हैं। तो कुछ बातें इनसे भी पूछ लेते हैं कि कितनी कदीमी और कब से जो ना ये हुई है। कहते हैं कि बीबी पाक का जो ना वो रोज़ा बाद में थोड़ा ज़ाहिर हुआ है, घणो टाइम थियो आहे यार, मां छा करंगे साईं 2006 में ज़ाहिर थियो। 2006 में ये बीबी पाक का जो रोज़ा ज़ाहिर हुआ, बीबी जो असल सिजर लोगो बिया उन्होंने लिखो है 170 हिजरी। 170 हिजरी जी। अच्छा ये इतने जगह के तख्ती लगल है, हां इने ते लिखेल है फारसी में 170 हिजरी। हां आज ये भी आ जाए, ये भी आप देख लें यहां पे तख्ती लगी हुई 170 हिजरी। ये असल तख्ती है बीबी महम जी, हां नीचे अभी फारसी में लिखी है ये असल। तो दोस्तों ये बीबी महम के रोज़े के अहाते में कब्रिस्तान है चारों तरफ। ये एक